हमारे पास बेशुमार विवाह औरतें हैं जिनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, उनके सर पे लेने के लिए दुपट्टा नहीं है। तो मेरी आपसे दिस बस्ता गुजारिश है, आप मुझे जो कहना है वो कहते रहें, लेकिन आप इतना काम करें कि ये चादरें जो हम मज़ारात पे चढ़ाते हैं इनकी कौन हकीकत कोई भी, अगर ज़रूरत है भी, मैं कल मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का एक क्लिप सुन रहा था, वो कह रहे थे कि एक चादर उस जगह की उस बंदे की अजमत जाहिर करने के लिए काफ़ी है। ये मैं कल मुफ्ती मुनीबुर रहमान का सुन रहा था कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान ये बात कर रहे थे कि एक चादर उस बंदे की ताजीम के लिए बहुत है, आपने 500 चादर चढ़ा के क्या करनी है। तो आपके लिए जो फालतू चादरें हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि आप अल्ताफिया को दें, आपकी भेजी हुई चादर, मैं यकीन से बात कर रहा हूं कि अगर किसी बेवा के सर पे उसने एक दिन के लिए साया किया और उसका एक दिन के लिए उसने अपना सर ढांपा, आप यकीन जानिए करोड़ चादर किसी मजार पे चढ़ाई हुई से आपकी ये चादर उसके सर के ऊपर ज्यादा अफजल है। सुभानअल्लाह कह रहा हूं, ये नहीं निकलनी सुभानअल्लाह, नहीं उसकी वजह भी मुझे पता है ना, मैं भी तो इसी मुआशरे में रहता हूँ ना, कि भाभियाँ यह गल्ला हो गई हैं। मैं तो शुक्र करता हूँ कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने ये बात की है, हम तो किसी खाते में नहीं ना आते। आप इन बातों के ऊपर हम लगे हुए हैं, जो बंदा इस तरह की, अगले दिन किसी ने मेरे से इसी तरह की बात की, मैंने उसको कहा शरीयत तो ये कहती है, कहते जो फिर शरीयत के बाद जमन करांगे ऐसे तेरे नहर से दाई कर दे, तो लगे रहे इसके ऊपर।